वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग ड्रेस सेट की। सो आपको ये ड्रेस सेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। आई एम नॉट श्योर बट होपिंग कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए। एंड ऑल्सो जैसा कि आपको पता ही है वेडिंग सीजन कितनी ज़्यादा अच्छी तरीके से चल रहा है एंड बहुत ही धूमधाम से शादियाँ हो रही है। तो यहाँ पे मैं कुछ वेडिंग गेस्ट आउटफिट लेके आई हूँ। ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू वेयर इन सम काइंड ऑफ ओकेजन तो भी आप पहन सकते हो। सो आप इन आउटफिट्स को ना एज अ ब्राइड मेड्स भी पहन सकते हो बिकॉज दिस आउटफिट्स आर रियली क्लासी, अफोर्डेबल एंड गुड इन क्वालिटी। सो पहनने के बाद भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, प्लस कलर ऑप्शंस भी बहुत ही बढ़िया अवेलेबल है। तो आई थिंक मैंने बहुत सारी चीज़ें इंट्रो में बता दी है एंड यहाँ पे मैंने लाइक सिक्स ड्रेस पीस आई हैव हियर एंड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब निकाल के रखे हुए हैं सो दैट मैं फटाफट आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो आई थिंक मैंने इंट्रो में ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया हो पहले, तो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पे सबसे पहला ड्रेस जो मेरे हाथ में है दैट इज रियली ब्यूटीफुल ड्रेस, बहुत ही सुंदर सा ड्रेस है। एज यू कैन सी कलर ही कितना ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही प्यारा सा कलर है इसका। एक मिनट, ओके। सो बहुत ही प्यारा सा कलर है एज यू कैन सी, बहुत ही बढ़िया कलर लगा मुझे। मतलब इट्स नॉट दैट डार्क पर्पल, नॉट दैट लाइट पर्पल, इट्स लाइक अ प्रॉपर पर्पल कलर। एंड ये सारे ड्रेसेस मैंने मंगाए हैं एम साइज में एंड दीज आर टू नॉट दैट मच बट या दीज आर लिटिल लूज टू मी, तो इसको मुझे स्टिच कराना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स रियली गुड। सो पहले हम कुर्ते की बात कर लेते हैं। बाय द वे दिस कुर्ता इज़ फ्रॉम आई मीन दिस सेट इज़ फ्रॉम यूथनिया, ओके, यूथनिक मॉडर्न एथनिक, मॉडर्नली एथनिक, सॉरी। सो यहाँ पे अभी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी कि यहाँ पे इस तरह का टैग दिया हुआ है। मतलब यूजुअली कैसा होता है वो कागज़ का टैग दिया होता है, बट इसमें यहाँ पे ये वाला टैग दिया हुआ है जैसे अर्बैनिक पे दिया होता है वो प्लास्टिक वाला टैग। हाँ, कुछ इस तरीके का है ये। एंड ये ना थोड़ा अनारकली फील देगा आपको पहनने के बाद बिकॉज साइड में कट्स नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पे आपको फ्रंट में छोटा सा कट मिल जाएगा इस तरीके का, साइड में मैं वीडियो लगा दूंगी पहनने के बाद एक कैसा दिखता तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आगे से ना कुछ इस तरीके का पैटर्न दिया हुआ है जो कि बहुत ही सुंदर सा पैटर्न है। एंड मतलब बोलते ना, ना ही उतना ज़्यादा तामझाम है ना ही कुछ, जो भी पैटर्न किया हुआ है ना वो प्रॉपरली ऐसे दिख रहा है क्या क्या किया हुआ है, पूरा एकदम बोलते ना कि जैसे कि बहुत गजा हुआ नहीं लग रहा है, जो भी है क्लियरली दिख रहा है डिज़ाइन में। सो ये कुछ इस तरीके का ही है, ओवरऑली मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ में आपको यहाँ पर दोनों साइड से ना इस तरीके का लेस लगा हुआ मिल जाएगा, ट्रायंगल वाले लेस आते हैं ना वो लगा हुआ मिल जाएगा, अंदर से स्टिचिंग मिल जाएगी। यहाँ पे इस तरीके के नॉट दिए हुए हैं, बांधने के बाद थोड़ा सा वो अनारकली वाला फील देगा आपको। हाथ पे अगेन इस तरीके का ट्रायंगल वाला लेस लगा हुआ है, बॉर्डर लगी हुई है दोनों हाथों पे, दोनों साइड में। हाथ का जो लेंथ है वो लाइक जो ये एल्बो होता है वहाँ तक आ जाएगा आराम से आपको। ओवरऑल इट्स रियली नाइस। इसका जो क्वालिटी है दैट इज़ अ मिक्स, लाइक सिल्क वाला मिक्स कपड़ा आता है ना उस तरीके का है, तो बहुत ही अच्छा फ्लो देगा आपको पहनने के बाद। इसके पैंट की बात कर लेते हैं। सो स्ट्रेट पैंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस तरीके का, प्लाजो पैंट बोलो या स्ट्रेट पैंट बोलो, इलास्टिक वेस्ट मिल जाएगा एंड यहाँ पे कोई भी पॉकेट्स नहीं मिलेंगे, बस आपको लाइक नॉर्मल जो पैंट होता है वैसा ही स्ट्रेट पैंट मिल जाएगा। ओवरऑल इसकी क्वालिटी भी सेम उसी की तरह है जैसा कि कुर्ते का क्वालिटी है। अब हम यहाँ पे दुपट्टे की बात करते हैं। सो दुपट्टा थोड़ा सा अलग पैटर्न में दिया गया है यहाँ पे, थोड़ा सा जो पूरा ओवरऑल ड्रेस है ना उसको एनहांस करने के लिए। सो यहाँ पे लाइट पर्पल एंड डार्क पर्पल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है एंड दुपट्टे का लेंथ, ओ माई गॉड, इट्स रियली गुड। ओके, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पूरा। दुपट्टे का लेंथ बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप देख सकते हो, लाइक इट्स लाइक प्रॉपर वेडिंग आउटफिट, आई वुड रेकमेंड, बहुत ही सही लग रहा है एंड पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें इस तरीके के स्ट्रिप्स दिए हुए हैं जस्ट टू एनहांस द चुन्नी, अदरवाइज थोड़ा सा ये कलर, खाली कलर ऑप्शन होता ना, मतलब मिक्स कलर होता ना तो थोड़ा सा प्लेन लगता, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रिप्स इट इज़ लुकिंग थोड़ा सा हैवी, दैट्स ऑल। ये बहुत ही सही लगा मुझे एंड मैंने इसे कुछ अराउंड 600 or 700 में परचेस किया है। सी जस्ट 600 or 700 में यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ ड्रेस, मतलब और क्या चाहिए भाई, बहुत ही सही सा ऑप्शन है ये। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ड्रेस हियर आई हैव। सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड गोश्री की एंड ये थोड़ा सा ना बेसिक काइंड ऑफ का ड्रेस है, बट या यू कैन वेयर इट इन वेडिंग्स, बेसिक इन द सेंस
जिन लोगों को बहुत हैवी ड्रेसेस नहीं पसंद है ना, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है। सो ये कुछ इस तरीके का है, पिंक कलर में है ये, एंड अगेन दिस इज इन द साइज एम, एज आई मेंशन कि एम साइज में मंगाया हुआ है। लुक एट द नेक यार, नेक ऐसा कितना मतलब डिजाइनर काइंड ऑफ का पीस लग रहा है ये मुझे नेक का पैटर्न देख के। एंड आप इमेज में देख सकते हो सेम वैसा ही मुझे रिसीव हुआ है, कुछ भी अलग नहीं आया हुआ है। दिस इज इन रेयन मटेरियल बाय द वे, एंड जो हाथ है वो आपको इस तरीके का मिल जाएगा। यहाँ पे जो नेक पे लगाया हुआ है बॉर्डर का पैटर्न लगाया हुआ है, सेम वही पैटर्न आपको नेक हैंड पे भी मिल जाएगा। आई वॉज टेलिंग नेक, हैंड पे भी आपको मिल जाएगा। सो मुझे ओवरऑल ना ये जो पैटर्न है ना वो बहुत ही ज्यादा सही लगा, बिकॉज थोड़ा सा वो डिजाइनर वाला इफेक्ट दे रहा है। बात करें ओवरऑल कुर्ते की, तो कुर्ते पे आपको इस तरीके की गोल्डन बूटी मिल जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हो ओवरऑल गोल्डन बूटी मिल जाएगा ऐसा बना हुआ है। उसके अंदर कुछ नहीं है, जस्ट राउंड राउंड बूटी दिए हुए हैं। एंड इसका लेंथ वगैरह काफी सही है, साइड में आपको कट मिल जाएगा, इट्स नॉट अनारकली, इट्स अ स्ट्रेट कट वाला जो कुर्ता आता है वो, एंड बैक से पूरा प्लेन दिया हुआ है। बात करें इसके पैंट की, तो आपको स्ट्रेट फिट वाला पैंट मिल जाएगा यहाँ पे इस तरीके का, नीचे जो सिल्वर वाला लेस आता है वो लगा हुआ मिल जाएगा। इसमें आपको पॉकेट्स भी मिल जाएंगे, बिकॉज ऑफकोर्स दिस इज फ्रॉम गोश्री की, तो गोश्री की के ड्रेसेस में पॉकेट्स होता है, ये मैंने हजार बार मेंशन कर दिया होगा अब तक। सो ये कुछ इस तरीके का है, ओवरऑल ये सेम मटेरियल में है, सेम पैटर्न में दिया हुआ है। अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की। सो दुपट्टा इस थोड़ा सा अलग, मतलब कलर सेम है बट ये थोड़ा सा यू नो अलग कपड़े में है दिया हुआ है। ओवरऑल ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ये थोड़ा सा यू नो वो कॉटन वाला नेट आता है ना कुछ इस उस तरीके का ही है, एज यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हो उस तरीके का ही पैटर्न दिया हुआ है। एंड जो बॉर्डर लगाए हैं वो ट्रायंगल लेस वाले बॉर्डर लगाए हुए हैं। सो ओवरऑल इट्स रियली नाइस, इसका कलर वगैरह मुझे काफ़ी अच्छा लगा, प्लस इसका जो लेंथ है दुपट्टे का ओवरऑल लेंथ है वो भी काफ़ी सही लगा मुझे, इट्स रियली गुड। इसे भी मैंने अराउंड लाइक 600 और 700 में परचेस किया है, लाइक मेजॉरिटी 600 में परचेस किया होगा, साइड में मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट ड्रेस। सो दिस ड्रेस इज आल्सो रियली गुड फॉर वेडिंग सीजन, बिकॉज ये थोड़ा सा इसमें वर्क किया हुआ है, मतलब पूरा जो कुर्ता है ना दैट इज टोटली वर्क कुर्ता। एंड यहाँ पे ये कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हो इट्स रियली गुड, मतलब ये ना जिनको बेज कलर वगैरह पसंद है, क्रीम कलर वगैरह पसंद है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा ऑप्शन है, बिकॉज आप देख सकते हो इसमें काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है ओवरऑल कुर्ते के ऊपर। नेक कुछ इस तरीके का दिया हुआ है, एंड ओवरऑल जो कुर्ता है ना उसके ऊपर सिक्विन एंड लेस का एम्ब्रॉयडरी का वर्क किया हुआ है, धागे का वर्क किया हुआ है एज यू कैन सी, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है। प्लस इसके ऊपर लाइट पड़ रहा है तो बहुत ही अच्छा शाइन भी कर रहा है। बैक साइड पूरा प्लेन दिया है, यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं दिया हुआ है, एंड फ्रंट साइड में पूरा जो ऊपर से नीचे यही वाला पैटर्न रन किया हुआ है। हाथ भी आपको प्लेन मिल जाएगा, बस हाथ के बॉर्डर पे आपको इस तरीके का सेम डिज़ाइन जो ओवरऑल कुर्ते पे दिया गया है वही डिज़ाइन आपको रन मिल जाएगा हाथ के बॉर्डर पे भी। हाथ आपको हाफ स्लीव्स वाले मिल जाएंगे, एंड इट्स रियली नाइस, इसका जो मटेरियल है वो रेयन मटेरियल में है, मतलब ये ना प्रॉपर एक जैसे कि जैसे कि मैंने कहा बहुत लोगों को ना कलर वाइज भी ड्रेसेस पसंद आते हैं, कपड़े पसंद आते हैं, तो जिन लोगों को डार्क कलर पसंद है मैंने भी दो ऑप्शन दिखाया उसमें जा सकते हो, जिन लोगों को थोड़ा सा यू नो लाइटर शेड में बेज शेड में कुछ खरीदना है या पहनना पसंद करते हैं यू कैन गो विद दिस वन। सो अब इसके पैंट की बात कर लेते हैं। सो पैंट यहाँ पे अगेन स्ट्रेट पैंट दी हुई है विथ इलास्टिक वेस्ट, एंड यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे बिकॉज अगेन दिस इज फ्रॉम गोश्री की ब्रांड। एंड ये ओवरऑल लाइक सेम ही है जो पिंक वाला मैंने पैंट दिखाया था, इसका सेम ही कपड़ा एंड मटेरियल है, बस कलर अलग है, एंड ओवरऑल इट्स रियली नाइस। बॉटम आपको नॉर्मल प्लेन बॉटम मिलेगा, कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा यहाँ पे। एंड लेट्स टॉक अबाउट द चुन्नी। सो चुन्नी यहाँ पे पूरी लाइक वर्क वाली दी हुई है, ओके इस तरीके की, एंड कॉटन की दुपट्टा है पूरा का पूरा। आई थिंक आई एम होल्डिंग उल्टा, येस आई वॉज होल्डिंग उल्टा। सो ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे रबर प्रिंट वाले फूल पत्ती बनाए हुए हैं ओवरऑल चुन्नी के ऊपर। सो ओवरऑल ये ना बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब आपको ज़्यादा खर्च नहीं करना एंड आपको बट अच्छा कपड़ा चाहिए तो यू कैन गो विद द गोश्री की का कलेक्शन, यू विल डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको पसंद ही आ जाएगा उसमें से, क्योंकि अंडर 1000 अंडर 700 उनके बहुत ही अच्छे कलेक्शंस हैं। ओके सो यहाँ पे अब नेक्स्ट ड्रेस की बात करते हैं। तो OMG पूरे हॉल में मतलब सारे ड्रेसेस अच्छे हैं बट मुझे ना थोड़े से प्लेन कपड़े ज़्यादा पसंद आते हैं,
तो ये जो सेट में दिखाने जा रही हूँ ना, ये पूरे हॉल में मेरा फेवरेट फेवरेट ड्रेस है बिकॉज ऑफ द कलर. मतलब कलर ही आप बोल सकते हो, अदरवाइज इट्स लाइक अ नॉर्मल ड्रेस, जैसा सारे ड्रेसेस होते हैं वैसा ही. सो या आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ड्रेस. क्यों कलर बहुत अच्छा है ना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. लाइक बहुत ही अच्छा एंड प्यारा सा कलर है, लेमन ग्रीन काइंड ऑफ का कलर है. इट्स अ रियली गुड. एंड ये ना अनारकली पैटर्न में दिया हुआ है, बट साइड में आपको कट मिल जाएगा. लाइक इट्स लाइक अ वो मायरा कट आता है ना, वो वाला कट, सॉरी आई डोंट नो उसका प्रॉपर नाम क्या है. सो ये वो वाला ही कट है. गला आपको इस तरीके का वी मिल जाएगा एंड पूरा जो ड्रेस है ना वो कॉटन मटेरियल में है. हाथ का लेंथ आपको हाफ स्लीव्स मिल, मतलब एल्बो तलक का हाफ स्लीव्स वाला लेंथ मिल जाएगा. ओवरऑल ये बहुत ही अच्छा लगा. पीछे का सेम पैटर्न दिया हुआ है, आगे पीछे दोनों, मतलब प्लेन नहीं दिया हुआ है. जो प्रिंट आगे दिया गया है वही प्रिंट पीछे भी दिया गया है. एंड मुझे बहुत सही लगा ये, बहुत ही ज़्यादा सही लगा. मतलब आपको कहीं मंदिर जाना है, कहीं बाहर जाना है, आप इसे डेफिनेटली पहन सकते हो बिकॉज इसका कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है. एंड ये देख के ही बहुत ही ना खुशनुमा हैप्पीनेस टाइप का वाइब दे रहा है, मुझे पता नहीं क्यों, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया. सेम पैंट भी इसका पूरा प्रिंट वाला दिया हुआ है, स्ट्रेट फिट पैंट है यहाँ पे. एंड यहाँ पे आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे अगेन, एक ही साइड पॉकेट्स है. ओके हाँ, तो आपको पॉकेट्स मिल जाएंगे. आई थिंक ये भी ग्रोशरी की से ही है ये भी. एंड पैंट आपको स्ट्रेट फिट मिल जाएंगे, सॉरी हम कंटिन्यू करते हैं. पैंट आपको स्ट्रेट फिट मिल जाएंगे विद द सेम पैटर्न विच इज़ प्रिंटेड ऑन द कुर्ता. तो आपको यहाँ पे भी सेम पैटर्न प्रिंट मिल जाएगा. वेस्ट आपको इलास्टिक वेस्ट मिल जाएगा, सो ओवरऑल इट इज़ ऑल्सो नाइस. ओके, इसका दुपट्टा भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, बहुत ही फ्लोई सा दुपट्टा है एंड सेम प्रिंट दिया हुआ है एज यू कैन सी. एंड ये बहुत अच्छा भी लग रहा है. मतलब ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया बिकॉज ऑफ द कलर. एंड जो कलर कॉम्बिनेशन दिया हुआ है ना, ग्रीन एंड लेमन ग्रीन का, वो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन दिया हुआ है. प्लस का क्वालिटी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मैंने इसे अराउंड अगेन वही 700 के अंडर परचेस किया है. सो मस्ट बाय प्रोडक्ट इफ़ यू आर नॉट लुकिंग फॉर वेडिंग. जस्ट ऐसे ही अगर आप देख रहे हो कहीं आने जाने के लिए पहनने के लिए, या फिर आपको बस खरीदना है, तो यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस बिकॉज दिस इज़ अ रियली नाइस ड्रेस. सो हियर आई हैव लास्ट टू ड्रेस का सेट यहाँ पे बस बचा हुआ है. सो अगेन दिस इज़ फ्रॉम गोश्रीकी एंड आई फील सारे ही गोश्रीकी के ही है यार, बिकॉज एक ओके नहीं, हमारे पास दो गोश्रीकी के नहीं है, बाकी दो गोश्रीकी के. जो स्टार्टिंग में दिखाया था वो भी गोश्रीकी का नहीं था, एंड एंड वाला जो दिखाऊंगी वो भी गोश्रीकी का नहीं है. सो यहाँ पे अभी अगेन मेरे पास, मतलब उन जिन लोगों को लाइक थोड़े हैवी नहीं पसंद है, बस थोड़े प्रिंट वाले पसंद है, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है. एज यू कैन सी इसका कलर भी बहुत प्यारा है. यहाँ पे बहुत ही अच्छा सा पैटर्न दिया हुआ है, पूरा रबर प्रिंट का पैटर्न दिया हुआ है गोल्डन एंड वाइट के कॉम्बिनेशन में. एंड साइड में मैं वीडियो लगा दूंगी पहन के, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसा दिखता है. गला जो है वी नेक में दिया हुआ है, हाथ आपको सेम लेंथ का मिल जाएगा, जितने भी मैंने ड्रेसेस दिखाए ना सेम लेंथ का हाथ में मिल जाएगा. हाथ पे इस तरीके का ट्रायंगल वाला बॉर्डर लगा हुआ है दोनों हाथ पे. एंड या लेंथ वगैरह काफ़ी डिसेंट है, इसका कपड़ा रेयन मटेरियल में है. सो ओवरऑल इट्स नाइस. एंड इसमें ज़्यादा कुछ और बताने के लिए है नहीं. सो इसके पैंट की बात करते हैं अब हम लोग. सो पैंट जो है स्ट्रेट फिट पैंट है एंड इलास्टिक वेस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ पे. ओवरऑल इट्स रियली नाइस. बॉटम पे कुछ भी पैटर्न नहीं दिया हुआ है, कपड़ा काफ़ी फ्लोई है, तो पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है. एंड यहाँ पे आपको एक पॉकेट मिल जाएगा इसके अंदर. अब इसके आई थिंक ओके, इसमें दुपट्टा नहीं है. ओके नहीं सॉरी है, इसमें दुपट्टा है. सो दुपट्टा यहाँ पे ना शिफॉन मटेरियल का दिया हुआ है, अच्छा वाला जो शिफॉन का कपड़ा आता है ना, वो वाले मटेरियल का कपड़ा दिया हुआ है. एंड जो हाथ पे लेस लगाया हुआ था ट्रायंगल वाला, वही लेस इसके ऊपर भी लगाया हुआ है. सो ओवरऑल इट्स रियली नाइस. इसका लेंथ वगैरह भी काफ़ी अच्छा है. अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी ड्रेस सेट की, जो कि बहुत ही बढ़िया है. जैसा कि मैंने पहले दिखाया था ना, आई थिंक ये उसी काइंड ऑफ का है, बट दिस इज़ फ्रॉम अनदर ब्रांड. दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड अलीनियो. ओके, दिस इज़ फ्रॉम द ब्रांड अलीनियो. इसके ऊपर चरखा का साइन बना हुआ है. सो इसका पैटर्न मुझे बहुत सही लगा, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा, आप देख सकते हो. शाइनी मटेरियल है, लाइक सिल्क वाला थोड़ा कपड़ा है इसका. एंड आगे आपको नेक पे इस तरीके का पैटर्न मिल जाएगा. ओवरऑल हाथ आपको सेम लेंथ का मिल जाएगा जैसा बाकी दिया हुआ है. एंड हाथ पे इस तरीके का ट्रायंगल वाला बॉर्डर लगा हुआ मिल जाएगा आपको, दोनों हाथ पे सेम मिल जाएगा. अब यहाँ पे ना एक चीज़ अच्छी है कि
लाइक थोड़ा सा अलग डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे दोनों साइड में ना इस तरीके का नॉट दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसे ओपन भी रख सकते हो या फिर पीछे से या आगे से जैसे चाहो आप वैसे पैटर्न में इसके बांध के इसको बांध के पहन सकते हो। इसका लेंथ वगैरह काफ़ी सही है, इट्स अ स्ट्रेट कट वाला कुर्ता एंड या ओवरऑल इट्स रियली नाइस। साथ में ही आपको इस तरीके का दो पैटर्न मिल जाएगा लेस का लगा हुआ दोनों साइड में, सो ओवरऑल इट्स रियली नाइस। मतलब पैटर्न वाइज ना वो फर्स्ट वाले कुर्ते की तरह ही है, बट ये अनारकली नहीं है, दैट्स ऑल। अब इसके पैंट की बात करते हैं तो पैंट कुछ इस तरीके का है, सेम टाइप का ही पैंट दिया हुआ है, स्ट्रेट फिट वाला, स्ट्रेट कट वाला एंड यहाँ पे लाइक इलास्टिक वेस्ट मिल जाएगा। ओवरऑल लाइक ओवरऑल इट्स रियली नाइस, और कुछ नहीं है इसमें बताने के लिए बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट फिट पैंट और इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं दिया हुआ है, बाकी पहनने के बाद ही बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात करते हैं इसके दुपट्टे की, सो दुपट्टे ने पूरा जो आईज बोलते ना पूरा शो कैप्चर कर लिया है, सो इसका दुपट्टा बहुत ही अच्छा है, शिफॉन मटेरियल में दिया हुआ है और इसके पूरे दुपट्टे में काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है। एज यू कैन सी बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा वर्क किया हुआ है एंड जो वर्क किया हुआ है दैट इज़ ऑल्सो वेरी नीट एंड क्लीन वर्क, आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छा वर्क किया हुआ है, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसका कलर भी बहुत अच्छा है, अच्छा लग रही थी नहीं बताओ मुझे, सो ओवरऑल इट्स रियली नाइस। इसका लेंथ वगैरह भी काफ़ी अच्छा है एंड या यहाँ पे ट्रायंगल वाले लेस लगे हैं कॉर्नर्स पे, मतलब खाली एंड वाले जो पार्ट होते हैं ना वहाँ पे लगे हुए हैं। इसे भी मैंने अराउंड 799 और 699 में परचेज किया है, सो ओवरऑल दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस ड्रेस। तो आई थिंक आपको अमेजोन पे ना इस टाइप के बहुत सारे ड्रेसेस मिल जाएंगे एंड इन सारे ड्रेसेस के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से चेक कर लेना सारे ड्रेसेस। ऑल्सो दे हैव कलर्स ऑल्सो, तो आप कलर्स भी चूज कर सकते हो अपने हिसाब से। सो या गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। ऑल्सो इफ यू आर न्यू हियर मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन एज वेल सो दैट व्हेनेवर आई विल अपलोड न्यू वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। सो या आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय।